सरों का। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों का। सीएम योगी ने स्वास्थ्य विभाग को दिए निर्देश, H3N2 इन्फ्लुएंजा के प्रत्येक रोगी को मिले बेहतर इलाज। शिक्षक भर्ती मामले में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा, भाजपा पर लगाया आरक्षण विरोधी होने का आरोप। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी शुरू, योगी और गडकरी ने जीत के लिए कार्यकर्ताओं को दिया राम राज्य का मंत्र। यूपी में भाग्यू और राजनीति की महापंचायत में बड़ा ऐलान, मांग पूरी नहीं होने पर उड़ेगी अफसरों की नींद। हरदोई में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने किया शीतगृह का निरीक्षण, डीएचओ से रिपोर्ट तलब, बोले निरीक्षण को निलंबित करें। यूपी में 23 साल बाद बिजली कर्मचारियों की हड़ताल, मंत्री एके शर्मा बोले बिजली व्यवस्था बिगड़ी तो कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई। कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जिला और सेंट्रल जेल का किया निरीक्षण, अफसरों से बोले शिकायत कतई नहीं आनी चाहिए। श्री कृष्ण जन्मस्थान और शहीद गांव मामले में सुनवाई 20 मार्च को आ सकता है फैसला, अमीन सर्वे को लेकर मथुरा कोर्ट सुनाएगी आदेश। मेरठ में किसान महापंचायत, वेस्ट यूपी के 13 जिलों से आए किसानों ने आतिशबाजी, सीओ ने किसी तरह संभाली व्यवस्था। मथुरा में रंगनाथ भगवान की रथ यात्रा, डीएम और एसएसपी ने भगवान रंगनाथ के रथ को खींचा, 2 लाख भक्त जुट रहे खींचेंगे रथ। गोरखपुर में दादा ने पोती से किया रेप, 10 रुपए देकर बोला मां को नहीं बताना, महिलाओं ने पीट कर पुलिस को सौंपा। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, मेट्रो में सवार होकर करते थे चोरी। जौनपुर में एनकाउंटर में बदमाश ढेर, 10 दिन पहले सतना में डाली थी 15 लाख की डकैती, सुभाष यादव गैंग का बदमाश था। इटावा में जंगल में मिला नरकंकाल, जंगली जानवर के हमले में मौत होने की आशंका, खेत पर गया था काम करने। पीलीभीत में फिल्मी गाने पर युवक ने बनाई रील, फायरिंग कर पुलिस को दी चुनौती, वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई हुई शुरू। आगरा में फर्जी अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई, 2 मेडिकल स्टोर सीज, कई हॉस्पिटलों को नोटिस जारी। गाजियाबाद में महिला से चेन लूटने का फुटेज आया सामने, एक बदमाश खड़ा रहा, दूसरे ने नजदीक आकर झपटी चेन। हापुड़ में हत्या के दोषी को 10 वर्ष की सजा, फैक्ट्री में 2018 में 2 लोगों में आपस में हुई मारपीट, की गई थी हत्या। शाहजहांपुर में चंदा हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार, 3 दिन पहले गोली मारकर की थी हत्या, कहा घर बुलाने पर आ नहीं रही थी। गाजियाबाद में सवारियों से भरी बस पलटी, 12 यात्री घायल, उपचार के बाद गंतव्य भेजा गया, एक्सल टूटने से हुआ हादसा। अब
अवैध क्लिनिक पर छापेमारी। भाग्य संचालक प्रयागराज के गोबर गली में बिना पंजीकरण के झोला छाप कर रहे थे हड्डी का इलाज। खान निरीक्षक पर हमले की नए सिरे से होगी जांच। साल 2018 में खान निरीक्षक और टीम पर हमले में 17 नामजद और 18 से 100 पर दर्ज है केस। गाजियाबाद में रेप हत्या के वक्त बच्ची की मुट्ठी में फंस गए थे बाल। फॉरेंसिक रिपोर्ट में हुई पुष्टि, बालों ने फांसी तक पहुंचाया। खलील टायर और उसके बेटे समेत 7 के खिलाफ FIR दर्ज। फर्जी दस्तावेज तैयार कर कीमती जमीन बेटे के नाम कराया। DPRO PD की जांच के लिए DM ने लिखा पत्र। स्मृति ईरानी ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कराने का दिया था निर्देश। डकैतों की तलाश में हापुड़ पुलिस के मेरठ में छापेमारी। आरोपी के फरार होने पर पुलिस ने खंगाला मकान व्यापारी के घर की थी वारदात। इटावा जिला कारागार में हेड वार्डन के हार्ट अटैक से मौत। सीने में दर्द होने पर सहकर्मी अस्पताल ले गए। ललितपुर में डाउन लाइन पर मालगाड़ी हुई अप कपलिंग, वही 52 मिनट रेल मार्ग रहा प्रभावित। पातालकोट एक्सप्रेस समेत 2 ट्रेनें रही रेल। जनरल बस और टैंकर के आमने सामने से हुई टक्कर। शक्तिनगर से लखनऊ जा रही थी बस, सहायक चालक सहित 5 लोग घायल। बलिया में यूपी में रोहिंग्या का नेटवर्क बढ़ाने वाले 2 गिरफ्तार। बांग्लादेश म्यांमार से भारत में कराते थे घुसपैठ। कानपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध डोडा अफीम पोस्ट के साथ एक गिरफ्तार, दूसरा मौके से हुआ फरार। बाराबंकी में 2 पक्षों में हुए मामूली विवाद के बाद चले हथगोले। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चलाए हथगोले, गांव में मचा हड़कंप। कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी की जमानत मंजूर। 3 जून को पीएम, सीएम और राष्ट्रपति के आगमन के बाद घटना को दिया था अंजाम। अंबेडकर नगर में नकली मावा की खेप का हुआ भंडाफोड़। सड़क पर बिखरे मावा को बोरी में भरता दिखा मिठाई कारोबारी। खाद्य सुरक्षा विभाग में मचा हड़का। हमीरपुर में दुधमुहे बच्चे के कत्ल के मामले में आरोपी पिता को मिली क्लीन चिट। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी पिता को साबित किया निर्दोष। कानपुर देहात में बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले का बड़ा आरोप। सांसद ने DM नेहा जैन पर मनमानी और भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। कानपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध डोडा अफीम पोस्ट के साथ एक गिरफ्तार, दूसरा मौके से हुआ फरार। लखनऊ में 11वीं की छात्रा ने की आत्महत्या। छात्रा पर शिक्षक ने लगाया था नकल करने का झूठा आरोप। बाराबंकी में विद्युत विभाग की लापरवाही से किसान की हुई मौत। विद्युत विभाग ने बिजली चोरी को लेकर किसान को भेजा था नोटिस। संभल में पत्रकार को स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री से सच पूछना पड़ा भारी। मंत्री ने पत्रकार पर झूठा मुकदमा कराया पंजीकृत। रायबरेली में सुरक्षा कर्मियों को धोखा देकर दीवार फांद कर फरार हुआ कैदी। कैदी के फरार होने से जिम्मेदारों के हाथ पांव फूले। लखनऊ में आज रात से हड़ताल पर रहेंगे बिजली कर्मी। 72 घंटे काम काज करेंगे ठप।
प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड का एक और फुटेज आया सामने। उमेश पाल के सिर में गोली मारते नजर आया आरोपी। हरदोई में मंडल स्तरीय सामूहिक विवाह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में एक दूजे के हुए 1250 जोड़े। संभल के हयात नगर पुलिस ने दो शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। मौके से पुलिस ने चोरी की बाइक की बरामद। आजमगढ़ जिले में ग्रामीण न्यायालय के विरोध में वकीलों ने किया प्रदर्शन। शहर के कई प्रमुख मार्गों पर लगा लंबा जाम। मेरठ में एक बार फिर से मां की ममता हुई शर्मसार। लोहिया नगर के डंपिंग ग्राउंड में बैग में तड़पती मिली 12 घंटे की मासूम। लखनऊ में पारे ने तोड़ा 50 साल का रिकॉर्ड। मार्च में पड़ रही अप्रैल जैसी गर्मी। लखनऊ में 23 मार्च को लोहिया जयंती मनाएगी सपा। प्रदेश के सभी जिलों में किया जाएगा आयोजन। लखनऊ में SCR के लिए विस्तृत कार्य योजना 2 हफ्ते में होगी तैयार। मुख्यमंत्री योगी ने 2 हफ्ते की समय सीमा की तय। हरदोई में बदमाशों के हौसले हुए बुलंद। युवक की बाइक लेकर फरार हुआ चोर। बाइक चोरी की वारदात CCTV में हुई कैद। संभल की नगर पालिका परिषद में भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ धरना। सभासदों को लगातार मिल रहा लोगों का समर्थन। गोंडा में अवैध रूप से संचालित अस्पताल हुआ सील। बिना लाइसेंस और बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था अस्पताल। लखनऊ में महानगर थाना क्षेत्र के वायरलेस कॉलोनी में छात्रा ने लगाई फांसी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ LDA के दफ्तर में बुजुर्ग फरियादी की हुई पिटाई। आवंटी ने अधिकारी पर पिटाई का लगाया आरोप। मुजफ्फरनगर में हाईटेंशन लाइन से लाखों का गन्ना हुआ जलकर राख। किसानों ने ग्रामीणों के साथ बुझाई आग। बदायूं के दातागंज में दंपत्ति हत्याकांड का हुआ खुलासा। सगे भाई ने की थी भाई भाभी की हत्या। पुलिस ने चार्जशीट की दाखिल। फिरोजाबाद में निकाली गई भगवान श्री कृष्ण और बलराम की शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की रही सहभागिता। बुलंदशहर के अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान प्रसूता की हुई मौत। बीती रात मृतक प्रसूता प्रसव के लिए अस्पताल में हुई थी भर्ती। सीतापुर में आईफोन के लिए किशोर ने रची अपहरण की साजिश। घर से दूर जाकर परिजनों से मांगी 3 लाख की फिरौती। पुलिस ने बातचीत के बाद किया मामले का खुलासा। रायबरेली में बुलडोजर ने सुपरवाइजर को रौंदा। सड़क पर गिट्टी हटाते समय भारी हुई टक्कर। वही हादसे के बाद चालक JCB लेकर फरार। सुल्तानपुर में शिक्षक नेता ने सीएम पर किया आपत्तिजनक पोस्ट। हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व मंडल अध्यक्ष की तहरीर पर मुकदमा हुआ दर्ज। विवेचना में जुटे पुलिस। हमीरपुर में शिव मंदिर में हुई तोड़फोड़। अराजक तत्वों ने शिवलिंग किया क्षतिग्रस्त। वहीं लोगों में दिखा खासा आक्रोश। गाजियाबाद में दहेज के लिए हैवानियत की हदें हुई पार। ससुराल जनों ने नवेली बहू को बुरी तरीके से पीटा।
आगरा में राजा मंडी स्टेशन के ओएचई पर गिरा पेड़, करीब एक घंटे तक यातायात रहा प्रभावित, कई ट्रेनें हुई लेट। बदायूं के सहसवान में कोल्ड स्टोर की गिरी छत, 25 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू। बुलंदशहर में होमगार्ड और उसकी पत्नी से हुई लूट, दो नकाबपोश बदमाशों ने हथियारों के बल पर की लूट, तलाश में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में एएसपी ने बंद कराया वैरायटी शो, ठेकेदारों में आक्रोश, पुलिस ने 7 आरोपियों को हिरासत में लिया। मथुरा में गैंगरेप के बाद किशोरी ने लगाई फांसी, किशोरी ने परिवारजनों पर लगाया समझौते का आरोप। सोनभद्र में ससुराल में दो बच्चों के साथ भूख हड़ताल पर बैठी महिला, परिवार न्यायालय में चल रहा था केस, पति को दूसरी पत्नी के साथ कमरे में किया बंद। गाजियाबाद में बीच सड़क पर युवकों की हुड़दंगई का वीडियो हुआ वायरल, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश में जुटी पुलिस। आगरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर गाड़ी चलाते दिखा युवक, युवक के गाड़ी चलाने का वीडियो हो रहा वायरल। आगरा में युवक की खतरनाक स्केटिंग का वीडियो हो रहा वायरल, रोड पर चलते वाहन को पकड़कर बढ़ाई स्केटिंग की स्पीड, ट्रैफिक के बीच किए खतरनाक स्टंट। प्रयागराज में कार से लटककर स्टंट करने का वीडियो हो रहा वायरल, बीजेपी का झंडा लगाकर जिगजैग ड्राइव करते दिखे दबंग। गाजियाबाद में महिला से चेन लूटने का वीडियो हो रहा वायरल, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश में जुटी पुलिस। जिलों की 75 बड़ी खबरों में फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।